नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर और आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजधानी रायपुर पहुंचने पर स्वामी विवेकानंद विमानतल पर आत्मीय स्वागत किया गया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने उनकी अगवानी की। उल्लेखनीय है कि झारखंड के मुख्यमंत्री राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। धन्यवाद आप सब लोगों का। आज हम लोग छत्तीसगढ़ में आदिवासी नृत्य महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है, आदिवासी समाज देश के सबसे पिछड़े समाजों में से। आज काफी मशक्कत के बाद, काफी जंग लड़ने के बाद ये समूह धीरे धीरे अपनी जगह पकड़ता जा रहा है और अपनी पहचान कायम कर रहा है। निश्चित रूप से भारतीय इतिहास में आदिवासियों की एक बड़ी भूमिका है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भूमिकाओं को सही तरीके से जगह नहीं मिल पाई थी। ईडी के समन और ईडी कार्यालय में पेश होने वाले सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि क्या आपको लगता है कि हम लोग चोर उचक्के हैं या कोई हत्यारे हैं? कल समन भेजे और आज आ गए, क्या हमारी व्यस्तता नहीं है? आज इस महोत्सव में शामिल होने का कार्यक्रम हम लोगों ने पहले ही तय कर लिया था। आज हमारे राज्य में राष्ट्रपति आ रही हैं। इतना ही संगीन गुनाह अगर लगता है तो समन क्यों सीधे आकर अरेस्ट करे? कहां हमने मना किया है? जब राज्य में उत्साह और उत्सव का माहौल होता है तब विपक्ष सुनियोजित षड्यंत्र करता है। मुझे लगता है ये ईडी का समन नहीं विपक्ष का षड्यंत्र है। अब देखिए, क्या आपको लगता है कि हम लोग चोर उचक्के हैं? क्या लगता है कि कोई हत्यारे हैं? कल दिया आज आ गए, क्या हमारी व्यवस्था नहीं है? आज इस महोत्सव में शरीक होने का आमंत्रण मैंने पहले हम लोगों ने तय कर लिया था। हर चीज का एक शिष्टाचार है, हर चीज का एक व्यवहारिक आचरण है। मुझे लगता है कि ये भी ध्यान रहना चाहिए। आज हमारे राज्य में राष्ट्रपति महोदय आ रही हैं, अगर इतना ही संगीन गुनाह है उनको लगता है तो सम्मन क्यों? सीधे आकर के अरेस्ट हो जाना चाहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।